कन्हैया है, जिसकी पीर दादी मधुर गाथाएं हम तो मथुरा में सुना करती थी। बिटिया पूछने लगी, भाभी ये दोनों एक जैसे हैं, कौन से कृष्ण है कौन से बलराम है? तो सखी संकेत में बताती है कि दीदी सुनो, बड़े भाई बलराम। इतनी बात हुई तब तक कृष्ण बलराम बहनों आगे निकल गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उसी गली में एक कंस का धोबी आ रहा था, यमुना जी से बस धोकर राजभवन के लिए लौट रहा था, और ये धोबी शराब के नशे में क्यों वैसी प्रजा बन जाती है जैसा राजा आचारी है। वह स्त्री है क्या पति गिरता, जिसका पति खुद विभिचारी है। कंस बहनों राक्षसी प्रवृत्ति का था, वही असर उसके कर्मचारियों पर पड़ गया। और बहनों एक बात और बताऊंगा आपको कि जब शराबियों की महफिल लगी है, आप उस महफिल से थोड़ा दूरी रहना। शराबी आदमी क्या पक नहीं सकता है, और कौवा पक्षी कौन सी गंदी चीज है जिसे खा नहीं सकता। शराबियों से थोड़ा दूरी रहो। नशे में डूबा हुआ धोबी धोबी भगवान कन्हैया बोले बहुत अच्छी मिली, आप कंस के धोबी हैं और हम कंस के मेहमान हैं, लेकिन हम कपड़ों से बहुत परेशान हैं। आप दो दिन के लिए वस्त्र हमें दे दो। बाबा से कहते हम पैसा दिलवा देंगे, और यज्ञ देख कर आपके वस्त्र आपको वापस दे देंगे। तो नशे के हालात में धोबी कन्हैया से मथुरा में बोला है,